तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग भुवनेश्वर के बस स्टैंड जा रहे हैं और यहाँ पर मतलब कि हर दो मिनट में आपको बस मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रिक बस। और हमको लिंगराज मंदिर जाना है तो 15 और 28 नंबर की बस में हमको सफ़र करना है और यहाँ हर दो मिनट में आपको बस मिल जाएगी जाने के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, अब यहाँ पता करेंगे कि कौन सा बस लिंगराज मंदिर को जाने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ हर दो मिनट में बस ये देख सकते हो पूरा यहाँ, ये बस स्टेशन है। आप यहाँ आ जाइए, आपको 5 से 10 रुपये में मतलब कि पूरा भुवनेश्वर घूमने के लिए मिल जाएगा, अधिकतम 30 रुपये। मो बस उड़िया में लिखा है, ये मो बस। ठीक, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं बस पता करने के लिए और देख सकते हैं जो भी बस यहाँ से छूटती है सबसे पहले यहाँ पर उनका एंट्री किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारे सभी लोग स्टाफ हैं और बस के लिए अभी बस में रवाना होने वाले हैं, तो हम बस से जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मो बस चलता है जो कि 100% इलेक्ट्रिक बस है, ये 0। ठीक दोस्तों, अगर आपको आइसक्रीम भी खाना रहेगा ना, बस स्टेशन में अवेलेबल है, यहाँ पर आप 10 रुपये से लेकर आप 50 रुपये तक आइसक्रीम इनके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भुवनेश्वर है इसको सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मंदिरों का नगरी, ठीक है, भुवनेश्वर मंदिरों का नगरी कहा जाता है। ऑटो से निकल रहे हैं, हम लोग को बस नहीं मिल रही है इसलिए हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। अरे बाप रे, खतरनाक ब्रेकर है जी यहाँ तो। तो दोस्तों हम लिंगराज मंदिर के लिए ऑटो से निकल गए हैं। लिंगराज मंदिर कितना किलोमीटर है भैया? 8 किलोमीटर। हाँ 8 किलोमीटर। तो भैया बता रहे हैं कि लिंगराज मंदिर 8 किलोमीटर है, तो देखते हैं वहाँ का नज़ारा। आज महाशिवरात्रि का दिन है तो वहाँ का व्यू आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हम रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं, हम लोग ऑटो में इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग को बस नहीं मिलने के कारण हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। और तो देख सकते हैं व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मतलब एकदम साफ है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सिटी रायगढ़ बिलासपुर रायपुर से भी स्वच्छ है। चौंक है क्या? राजमहल। देख सकते हैं भुवनेश्वर का जो सड़क है कितनी चौड़ी है और हर जगह की सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए। रोड के किनारे 4-व्हीलर वगैरह पार्किंग कर सकते हैं। ये आ गए हम सिग्नल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी बाइक चला रहे हैं सभी लोग हेलमेट पहने हुए हैं। यहाँ हेलमेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर जो हेलमेट यहाँ नहीं पहनता है तो उसको फाइन किया जाता है, ऐसे हर जगह होना चाहिए।
सकते हैं यहाँ इस रोड में मतलब ट्रैफिक जाम होने के कारण यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा मतलब कि ट्रैफिक उधर जाने के लिए कोई इसकी गाड़ी को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से हमको आगे पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग लिंगराज मंदिर के लिए पैदल जा रहे हैं और यहाँ उड़िया में लिखा हुआ है श्री श्री लिंगराज मंदिर है, यादव सर कुछ बोलना चाहते हैं और महाशिवरात्रि। यादव सर जी किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ सर, वो हमारे भक्तगण लोग के साथ में जी जी आगे हैं, अगवानी में है हमारे शर्मा जी। तो आपको दोस्तों यहाँ से लेफ्ट की साइड लिंगराज मंदिर जाना पड़ेगा। पहुँचने के लिए हम लोग लालसना कर रहे हैं लेकिन कृपया लेडीज लोग पिछड़ गए हैं, उनके पैदल पाँव नहीं चल। बाप रे, आज तो बहुत भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आज के दिन में जो बुझाएगा तो काम फल पाएगा, देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। आप पी के भी कहाँ जाओ, जब पी के भी भक्त करो। अगर आपको यहाँ से झाड़ू सूपा या कुछ भी फूल लेना है सर तो आप यहाँ से ले सकते हैं, नारियल भी ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारे साथ जितने भी स्टाफ हैं सब आ गए हैं और आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से नारियल लेंगे। तो फाइनली हम लोग लिंगराज मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, पंडा जी ठगने के लिए चालू हो गए, ठीक है। तो गाइस आप लोग मत ठगाइए, मतलब कि इन लोगों को जो भी दान दक्षिणा नहीं दोगे ना तो ये लोग आप लोगों के पीछे पीछे ऐसे घूमते रहेंगे। तो भाई इनसे दूरी बना के रखो, ठीक यार। क्या गजब का मंदिर, इस समय हम लोग नाइट के समय आए थे दोस्तों, हम लोग ठीक से देखे नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ जूता चप्पल रखने के लिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक। मतलब कि इधर वाले जो शॉप है मतलब कि दुख रखने का जगह है शायद उनको पसंद नहीं आया इसलिए इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पत्रकार हो या फिर आप VIP हो तो आप इधर से आप जा सकते हो, खासकर महाशिवरात्रि के समय। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग रायगढ़ से आए हैं, एक आम पब्लिक है तो हम लोग इधर से घुसने नहीं दे रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उधर साइड से। ये जो महामृत्युंजय वाला जो शर्ट पहने ना शिव शंकर का, ये तो निरीक्षक है लेकिन आज ड्रेस में नहीं है ना तो इसीलिए इधर घुसने नहीं देने। तो हम लोग तो इधर से जाएंगे सोच रहे थे। तो देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ अभी से दुकान वगैरह लग गया है और यहाँ शायद कुछ होने वाला है। और दिखा रहा हूँ आपको, पीछे से हमारे स्टाफ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ जब आप आओगे ना थोड़ा आपको चलने का जो गति है उसको थोड़ा तेज करना है तभी आप मंदिर पहुँचोगे और भगवान का दर्शन कर पाओगे। आप धीरे धीरे चलोगे तो बिल्कुल भी नहीं दर्शन कर पाओगे, खासकर महाशिवरात्रि के समय, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं और ये सूस स्टैंड और उड़िया में लिखा हुआ है जूता रखे हुआ जगह, ठीक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जूता रखे हैं और यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। अगर आपकी अगर श्रद्धा से भगवान के पास प्रसाद लेना है आज महाशिवरात्रि का दिन है तो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और जा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो लाइन इतना ज़्यादा लगा है भाई कि कम से कम एक से दो किलोमीटर की दूरी से हमको पैदल चलना पड़ेगा और हम लोग अभी 10:15 हो रहा है। और हम लोग सर आपको कैसा लग रहा है लाइन देख के? अरे देख सकते हैं मतलब भगवान के ऊपर इतना मतलब कि श्रद्धा है, रात के 11 तक भी रहने के लिए लोग मतलब कि राजी हैं, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे श्रद्धालु हमारे भारत में ही देखने को मिलता है, बाहर में तो अब शायद मैं नहीं गया हूँ तो कुछ नहीं बोल सकता उसके लिए, सॉरी। तो दोस्तों लाइन के कारण हम लोग सीधा मंदिर के, अरे यार दोस्तों देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आए हुए हैं, मतलब तो कि फिर कहीं कहेगा हम इस लोगों का लाइन नहीं। आप जो देख रहे हैं ये सब छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हैं, ठीक है।
बाकी उड़ीसा साइड से आए हुए हैं। अच्छा ठीक, ये मैडम थक गई हैं इसीलिए अब यहाँ बैठ गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा जगह है यहाँ बैठने के लिए। तो हम लोग यहाँ तैयार हो गए हैं, के लिए यहाँ तैयार हो गए हैं। ये पकड़े हैं? हाँ चल ठीक, बहुत बढ़िया। पीछे चलो इधर देखो, मैं दीप जलाकर भोलेनाथ को मैं अर्पण कर रहा हूँ। मेरा जितने आए हैं भाई बहन रेडी, बाबा रेडी रेडी सर। तो दोस्तों ये है लिंगराज मंदिर और ये है अजय साई जी हमारे साथ आए हुए हैं और यहाँ सेल्फी कैमरा लिया जा रहा है, सेल्फी लिया जा रहा है। ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण देख सकते हैं सभी लोग थक गए हैं। ये देख सकते हैं सेल्फी। आप महाशिवरात्रि के दिन अगर आ रहे हैं तो सुबह से आप आइए, यहाँ लंबी लाइन लगाना पड़ता है, भीड़ बहुत होने के कारण हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए। अब हम जा रहे हैं नंदन कानन वगैरह जा रहे हैं, अब वहाँ का हम व्यू बस दिखाएंगे। मंदिर जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, देख सकते हैं दोस्तों ये पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इतना बारीकी से इसका क्या बोलना है, कलाकृति बहुत ही सुंदर कलाकृति। तो दोस्तों हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इतना कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये जो मंदिर है ये पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, कमर तक कमर आना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, अब दूसरी जगह जाना है, वहाँ का व्यू हम बताने वाले हैं और यहाँ का तो हम लोग जितना कवर करना था हम इस वीडियो में कर लिए हैं। बोलिए। हेलो गाइस, देखो मैडम जी यहाँ चोरी हो गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद का डायग्राम जूता लेने के बाद होगा। अच्छा सर, अगर आपका जूता फिर वहीं चोरी हो जाता तो आप कैसे करोगे, फिर आओगे यही दुकान? फिर उस टाइम किसी और को ले लेंगे हम। तो दोस्तों आप अपना जूता में ताला मार कर रखो, ठीक है, रस्सियों से लगा बांध कर रखो, ये भगवान का स्थल जरूर है लेकिन यहाँ चोरी बहुत होता है। और देख सकते हैं यहाँ हमारे तपन भाई हैं और तो दोस्तों हम लोग फाइनली मैडम के लिए चप्पल मैडम खरीद ली है और वो भी बहुत कम रेट में, यहाँ मात्र 50 रुपये में आपको चप्पल मिल जाएगा। देख सकते हैं एक से घर में लगाने के लिए और यहाँ चूड़ी भी ले सकते हैं, अगर आप हाथ में टैटू के शौकीन रखते हैं तो टैटू भी बनवा सकते हैं। और क्या कर रहे हो? तो हम लोग यहाँ फाइनल अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं, हम ऑटो से आए हैं। ठीक है, और शायद इस होटल से हम लोग खाना खाएंगे जैसा लग रहा है।
क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कुछ भी घपला हो सकता है या कमीशन भी मार सकता है। तो हम थोड़ा जाके अंदर पता करते हैं कि खाना कैसा रहेगा। दाल चावल दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है इसलिए इस होटल में मतलब कि सादा भोजन बना है। यहाँ मांस मछली आज बना नहीं है। अगर आप मांस मछली नहीं बनाते चलो पूरा सादा। तो दोस्तों हमारे लिए भोजन आ गया है, मात्र 70 रुपये प्लेट है। यहाँ हमारे सामने शर्मा जी बैठे हैं, इधर लक्ष्मी बैठे हुए हैं और इधर तपन। ओए तपन आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा खाना बना है यहाँ का। बात शिवरात्रि के दिन इधर सादा सिंपल। उसको बताएंगे क्या क्या है? ये मात्र 70 रुपये में है, लिमिट है ना।